पति दुशील हो, दुर्भाग्य माने भाग्यहीन हो, जड़ हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, ऐसे पति का भी अपमान और त्याग पत्नी को नहीं करना चाहिए। वो केवल ऐसा ना समझा जाए कि सारी बातें स्त्रियों के लिए हैं, पतियों के लिए भी मर्यादा है, पति भी अपनी पत्नी का त्याग ना करे। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं, सबसे श्रेष्ठ उदाहरण आपको देवें, जब जानकी जी का हरण हो गया, राम जी चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, क्या उन्हें कोई दूसरी पत्नी नहीं मिल जाती? यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो चक्रवर्ती नरेश के पुत्र हैं राम, और यदि ये बात होती कि हमारे यहां स्त्रियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता तो कहते कि चलो कोई बात नहीं, एक चली गई दूसरा विवाह कर लेंगे। ऐसा भी नहीं कि सरकार देखने में काले कलूटे हैं, कोई लड़की अब ब्याहेगा नहीं, जैसे तैसे एक हो गया है। कितने सुंदर हैं, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, खरदूषण कह रहे हैं, राक्षस भी इनके रूप लावण्य को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। तो इतने सौंदर्य संपन्न है, लेकिन राम जी ने जो है बंदर भालुओं की सेना ली, लंका पर चढ़ाई कर दी और समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया। किसी नदी पर कोई सेतु बना दे तो समझ में आता है, पर समुद्र पर सेतु समझ से परे बात है। लेकिन राम जी ने अपनी प्रिया विदेहराज नंदिनी जानकी जी को प्राप्त करने के लिए समुद्र पर सेतु बना दिया और लंका पहुंच गए। तो पति को भी अपनी पत्नी की हर परिस्थिति में रक्षा करनी है, हर समय उसका ध्यान रखना है। सराबगी जी, लोग कहते हैं ना प्रेम की निशानी ताजमहल है, अरे ताजमहल क्या प्रेम की निशानी होगा? हजारों निरपराध मजदूरों के हाथ काट दिए गए, प्रेम की निशानी तो राम सेतु है जो जानकी के प्रेम में रघुनाथ जी ने बनवा दिया। भैया उससे बड़ी निशानी क्या होगी? पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, एक दूसरे के प्रति आदर की बुद्धि रखें, तभी ये जीवन की गाड़ी ठीक तरह से चलती है।